Hello everyone. So let us look at the reasoning and the QA section of 2019 NIMSEC. I'm Shyam Saraf, and we'll just look at the the questions that have been asked and unko kaise solve karna chahiye. So let's move on to the very first question. So this is one question. Pehla question jo pucha gaya tha. Which of the following options fits correctly in the blank space so that the pattern is maintained, right? So agar aap dekho yahan pe ye aapko build up a relation, ye 3 2 diya hua yahan pe and 25, so ye triangular form mein diya hua. Basically this is 3, this is 2 and this is 25, and there's another triangle yahan pe 4 3 and 49 5 3, ye missing data hai. So it's like 3 2 एंड यहाँ पे 25 है. सो रिलेशन क्या हो सकता है? वही सेम रिलेशन में मेंटेन करना है बेसिकली, राइट? तो 4 3 एंड ये 49 है. सो अगर आप देखो, ये अगर हम इनको ऐड कर दें 5 होगा 3 प्लस 2 एंड इसका अगर स्क्वायर कर लेंगे तो 25 आ जाएगा. डज इट फॉलो आउट हियर ऑल्सो? चेक करते हैं. 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर 49, फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, सो द आंसर शुड बी 64, विच इज ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जनरली यही करना है कि पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो सकता है. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. So move on to the next question. We'll try and put it this way. Now, ye second question hai, which one, if you see here, the two statements given, right? And it is followed by one question. Aur jo options diye hue hain, wo actually kaise diye hue options? Agar aap dekho, the question can be answered with the help of statement 2 alone. Matlab, हमें देखना ये क्वेश्चन किसी एक स्टेटमेंट के लिए आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या दोनों स्टेटमेंट के साथ में जरूरत है आंसर करने के लिए. अगर आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं. आउट ऑफ 200 रीडर्स, 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस, 120 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 50 रीड द हिंदू. तो ये तीन सेट का वेन डायग्राम हम सोच सकते हैं इस तरह से, स्टेटमेंट 1 के हिसाब से, राइट? 200 लोग हैं ऑल टुगेदर, राइट? उसमें से 100 लोग इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हैं, 120 जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड 50 लोग हैं जो हिंदू मतलब 50 लोग. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम द ग्रुप सर्वे रीड बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. सो कैन वी फाइंड आउट बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम यहाँ से, ये वाला ब्लॉक? कैन वी फाइंड आउट? नहीं, कुछ नहीं पता कर सकते, ठीक है? बिकॉज और भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिएगा टू आंसर दिस, राइट? सो अकेले स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो सकता. तो स्टेटमेंट वन बोलेंगे अकेले इट इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. तो अब हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 देखते हैं. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ 200 रीडर्स, 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस. तो 200 रीडर हैं, 100 लोग, 100 ऑफ देम इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है? सो दिस इज 100 और 121 टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? तो 121 लोग जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं, परफेक्ट. और अब देखो 50 रीड नीदर, 50 मतलब 50 लोग ऐसे जो दोनों में से कुछ भी रीड नहीं करते हैं. अब हमें पता है कि 200 रीडर्स हैं, इनमें से 50 कुछ भी रीड नहीं करते हैं, तो कम से कम एक रीड करने वाले कितने लोग हो जाएंगे? 150 जो या तो इंडियन एक्सप्रेस रीड करेंगे या फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करेंगे, है ना? कोई एक हो सकता है, दोनों भी रीड करें, मतलब एटलीस्ट वन जो रीड करेंगे. सो वेन डायग्राम अगर आप देखो, ऑब्वियसली क्या हम पता कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कितने लोग हैं जो दोनों रीड करते हैं? तो बिल्कुल पता कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंडियन एक्सप्रेस प्लस नंबर हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया
माइनस नंबर हो रही बोथ, हमें यही वाला पोर्शन चाहिए। सो और वाला डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया था 150 है वो, राइट। सिर्फ सॉरी नॉट सिर्फ, इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले कितने लोग हैं 100, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 121, बोथ वाले हमें पता नहीं, मान लो एक्स, तो क्या एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग रीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट यूनिक डेटा आ जाएगा। सो वी कैन आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो द आंसर इज, स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट टू से आंसर हो जाएगा। सो स्टेटमेंट टू से आंसर हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ए आंसर ऑप्शन होगा, राइट। बट वैसे आप, आई होप आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज 221, में से 150 आपको माइनस करना है, बचेगा 71, राइट। बट ये 71 आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एट सच। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सो ये बेसिक तरह का एडिशन देखना चाहोगे अगर, दिस 137 प्लस 276 विच इज इक्वल टू 435। नॉर्मली अगर आप ऐड करोगे तो दिस इज 6 प्लस 7 इज 13, बट यहाँ पे 5 आ रहा है। सो मतलब इट इज नॉट एडेड इन अ बेस 10, राइट, डेसिमल बेस में ऐड नहीं हुआ है। सो इट मस्ट हैव बीन एडेड इन अ डिफरेंट बेस। तो वन आइडिया ऑफ सॉल्विंग इज यू एक्सप्रेस इट इन अ बेस, बेस सिस्टम ऑफ n, लेट्स से 137 का बेस है, 276 ये भी बेस n में है, एंड 435 भी बेस n में लिखा जाएगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा यूनिट्स प्लेस पे इंटू पार 0, टेंस प्लेस पे इंटू पार 1, एंड हंड्रेड्स प्लेस पे इंटू पार 2, दैट इज हाउ टू वेट कन्वर्टेड, राइट। सो प्लस 3n प्लस 7, और यहाँ पे क्या होगा? 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 6, एंड दिस शुड ऐड अप टू गिव अस 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, राइट। सो आइडियली यहाँ से आपका आ गया कितना? 3n स्क्वायर, ये आ गया 10n, और ये आ गया 13, एंड दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। सो इफ आई टेक ऑल दिस टू द अदर साइड, तो क्या बचेगा? विल हैव एन स्क्वायर, एंड ये 3n में से इधर माइनस 10n, सो विल हैव अ माइनस 7n, और ये 5 में से 13 अगर हम माइनस करते हैं तो विल गेट अ 8, so minus 8 is equal to 0. इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, so we can look at this as n square minus 8n plus n minus 8, so ये होगा n into n minus 8 plus 1 of n minus 8, so we have n plus 1 n minus 8, right? So n is either equal to minus 1 or it is equal to 8, so minus 1 to possible नहीं as a base. Obviously the base system has to be 8, right? The base system 8 में ही addition हो रहा है, fine. So हमें भी क्या करना है? हमें ये दोनों numbers base 8 में add करना है, right? तो देखो, आप normal base conversions कर सकते हो, but आपको ये पता होगा कि if I'm just adding, हमें अब देखो यहाँ पे एक और चीज हो सकता है कि you don't solve this completely. आपने देखा ये 6 plus 7 13 हो रहा है, राइट, 13 में एक कैरी होगा बेसिकली, बट ये 15 बन रहा है। सो क्योंकि दो इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है दो से, तो बेस 10 से दो कम होना चाहिए, राइट, तो बेस 8 होगा, दैट इज हाउ वी कैन फिगर आउट डायरेक्टली, ठीक है। अब लाइकवाइज आप यहाँ पे कर सकते हो, आप ये समझो बेस 10 से जब भी नीचे जाओगे तो नंबर्स बड़े होते हैं, बेस 10 से जब भी ऊपर वाले बेस में जाओगे तो नंबर्स छोटे होते हैं बेसिकली। तो हमें इसको कम्प्लीटली बेस 8 में लिख करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि जब हम इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, राइट, तो ये कितना होगा? 3, लास्ट डिजिट 3, एंड जब हम 3 ऐड करेंगे तो बेस 8 में भी नंबर क्या दिखेगा? 3 ही दिखेगा, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 8, राइट। तो ऑप्शन के हिसाब से या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन बी या सी, ठीक है। एंड डी एन ए तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, डी ए पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, इफ यू टेक अ नॉर्मल एडिशन ऑफ दिस, बहुत नॉर्मल एडिशन देखो,
I am doing the normal addition. That is a 3, 7 plus 3 is a 10, so which gives us a carry 1, 13 plus 1, 14. So 14 zero three are a normal addition, the base 10 mein, decimal base. But the base 8 mein thoda badh ke hi aana chahiye, right? It cannot be 1531, so it has to be 1623. इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे इस ऑप्शन को जल्दी करने के लिए बेसिकली, राइट? सो आई होप ये समझ में आया हो सबको. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है सॉल्व करने के हिसाब से, बट एंड वैसे अगर आप देखोगे पूरा तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफ़ी सिंपल है. इस तरह क्वेश्चन कई बार ट्रिकी हो सकते हैं अगर वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं पता हो तो, बट अगर आपको सिंपल वर्ड्स दिए होंगे तो नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं. तो एमसेट में नॉर्मली यू हैव सिंपल वर्ड्स जो नॉर्मली सबको पता होता है, राइट? इट सेज इट अरेंज द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड रेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो जैसे रेट है तो हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया. सबसे पहले क्या आएगा? ए. फिर क्या आएगा? ई. फिर क्या आएगा? आर. फिर क्या आएगा? टी. एंड देन द थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट इज टेकन. थर्ड अल्फाबेट कौन सा है? आर. आर इज टेकन. चलो इसी तरह बोल रहे हैं ओपन में इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो एंड थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट लेवल. तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, देखो या तो अरेंज करो या सीधा सीधा सोच लो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, राइट? तो फर्स्ट प्लेस पे ऑब्वियसली ई आएगा. पोजिशन इसका 5 होता है, राइट? इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, फिर 16, राइट? तो ऑब्वियसली कौन सा जाएगा? ओ. एग्जैक्टली यही दिया हुआ यहाँ पे, राइट? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं. सो इट सेज दैट इवन जो वर्ड है सेफ, इसका भी हमें थर्ड अल्फाबेट ले लेना है जो कि आर आ रहा है, सॉरी एफ आ रहा है. और टायर का भी हम इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हम ले लें तो इट इज टी, राइट? तो आई से अगर हम ले ले थर्ड इज वाई. तो इनको हम अगर अरेंज करेंगे तो एक वर्ड बन रहा है 40, एफ ओ आर टी वाई. तो फ्रॉम दी ऑप्शंस ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच यू नो जिनके साथ आप ये सेम काम करोगे तो इट विल नॉट गिव यू अ मीनिंगफुल वर्ड, राइट? तो यहाँ पे सेम में लेट्स लुक एट सेम. तो सेम में अगर आप देखो थर्ड लेटर कौन सा आएगा? एम, राइट? रूम में इट विल बी ओ, राइट? डेस्क में एस. एंड ऑटो में पी, राइट? हाउ आई मैं डायरेक्टली कैलकुलेटिंग आई होप अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले ए ले रहे हैं विच इज लोएस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसके बाद क्या आएगा? ओ, फिर टी, फिर यू. तो मैं सीधा सीधा टी पे ही देख करके आंसर लिख रहा हूँ. तो मोस्ट अपने आप में एक वर्ड है, राइट? आपको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है. सो यू गेट अ वर्ड कॉल्ड एज मोस्ट. लाइकवाइज यहाँ पे देखो गोट के लिए देख लो. तो गोट के लिए देखो ए जी ओ, ओ आ जाएगा पहला, राइट? टेस्ट में एस, हाँ एस आ जाएगा. वॉट में डब्ल्यू, डब्ल्यू तो लास्ट में ही आना है तो पी आएगा, राइट? एंड आर्मी में अगेन अगर आप देखो वाई लास्ट में आएगा तो आर आएगा, राइट? ठीक है. सो कैन आई मेक अ वर्ड आउट ऑफ दिस? कैन आई मेक अ वर्ड आउट ऑफ दिस? तो जस्ट चेक आउट दिस वन. इसको देखो ध्यान से, राइट? तो वी कैन से सॉर्ट, एस ओ आर टी इज अ पॉसिबल वर्ड, राइट? Sort, S-O-R-T is a possible word, right? तो एक meaningful word बन रहा है. Likewise, अगर आप देखते हैं for male, male में L-M, right? तो L आएगा third place पे, A-E-L, फिर M. Find के लिए देखो F-I-N-D, I, B-F-I, ठीक है? Lost में देखो S, and that में आ जाएगा T. ठीक है, तो ये अपने आप में लिस्ट बन गया ना, एल आई एस टी. ये भी एक वर्ड है. सो आइडली यहाँ पे भी वर्ड बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है. कहाँ पे नहीं बन पाएगा इस भी चेक करते हैं. जंप में कौन सा बनेगा? पी. लाइन के अंदर ई आई,
L, E I L, basically. Dump, dump is M, and sum depo is O, right? So PLMO, basically. So do we get any word of this PLMO? No, there's no such meaningful word. So the answer is D. But a lengthy hoga, because you know you have to figure out all the options, her word check karna hai. So ho sakta hai, it may be a little time consuming. So given the exam, aapko decide karna hai ki aapke paas kitna time hai question karne ke liye. Right? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो काफी सिंपल हो सकते हैं. ये सिंपल ही था पिछला वाला, बट ये है कि थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आपको चारों ऑप्शंस क्रॉस चेक करने होते हैं. एंड जैसे हमने बोला कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट ऑप्शन हमारा सही था पिछले क्वेश्चन में, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया. राइट, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या कह रहा है? इट्स बेस्ड ऑन टाइम स्पीड इन दिस सेंस, है ना. नवजीवन एक्सप्रेस, ओके, नवजीवन एक्सप्रेस इज गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई. And it leaves Ahmedabad at 6:30 a.m. So we'll just make it, let's say 6:30 a.m. It starts from Ahmedabad. Right. It is traveling at 50 kilometers per hour. Okay. And it is going towards Baroda. Okay. So yaha se it is going towards Baroda. So let's call this. This is the city which is going. And Baroda is where? It is 100 kilometers away. And ye keh raha ki 7 a.m. not p.m. ye bhi a.m. ye bhi a.m. aadha ghante ke baad Baroda se there is another train which is called as Howrah Ahmedabad Express. It leaves Baroda and it is traveling towards Ahmedabad at a speed of 40 kilometers per hour. Okay. So there is this traffic controller, Mr. Shah, at 7:30, 7:30 he realizes that both the trains are running on the same track. So what will happen? Obviously, they'll have a head-on collision, right? Accident होने के chances होते हैं. तो बोल रहे collision बचाने के लिए उसके पास कितना वक्त है उस समय? Right? So check करते हैं कितना वक्त होगा. 7:30 आप सोचो. ये ट्रेन तो नॉन स्टॉप एक घंटा का मूवमेंट कर ले, एक घंटे में कितना मूव करेगा ये? बिकॉज 6:30 से 7:30 50 किलोमीटर, सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट्स 50 किलोमीटर. यहाँ पे ये 7 बजे स्टार्ट किया था, 7:30 हो रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर. राइट, तो 20 किलोमीटर इधर आ गया. ठीक है, तो 100 में से 50 चले गया, 20 चले गया, तो बचा कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर बच गया है जो मूव करना है दोनों ट्रेन को. अब ये दोनों ट्रेन यहाँ पे, एक ट्रेन यहाँ पे है, दूसरा ट्रेन यहाँ पे है. राइट, सो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हैं. टाइम कितना बचा है कोलिजन होने के लिए, कितने देर में कोलिजन हो जाएगा? सो 30 किलोमीटर दोनों ट्रेन को मूव करना है विद अ स्पीड ऑफ 50+40. क्यों 50+40? बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दैट इज 30/90 विच इज 1/3 hours. एंड 1/3 hours का मतलब क्या है? 1/3 hours into 60, which is 20 minutes. ये इजी क्वेश्चन था काफी. राइट, सो आंसर इज बी ऑप्शन. सो आई होप यू गॉट द आइडिया. यू कैन जस्ट थिंक हाउ द क्वेश्चन वेंट. राइट, वी वेंट जस्ट विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, इट वाज वेरी सिंपल, और हमने एग्जैक्टली उसी तरह से उनको उस क्वेश्चन को अप्रोच किया है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज बेसिकली अबाउट सेट्स. ठीक है, सो लेट्स फैंसी. देखो हमें चेक करना है ये किसके बराबर है. सो बेसिकली आई मेक थ्री सेट्स, लेट्स से ए बी एंड सी है ये. राइट, बी माइनस सी का मतलब क्या है? नॉर्मली इफ दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, so b minus c is this, right? This is b minus c, only b जिसको हम कह रहे हैं basically. Right, so यहाँ पे पहले तो हमें देखना है b minus c. What is b minus c? The only b part, right? This is c, right? This is a, this is b.
ठीक है, सो ओनली बी, इट कैन इंक्लूड ए इन दिस केस, बी माइनस सी इज दिस. लेकिन एज पर द क्वेश्चन सेज ए माइनस बी माइनस सी, तो अब ये जो एंटायर ए है उसमें से हमें ये पोर्शन हटा देना है. एक्चुअली क्या बचेगा इज ओनली दिस पोर्शन, ये ए, इसमें से बी माइनस सी का जो पार्ट है पूरा हट जाएगा. तो जो बचेगा ये पूरा हट जाएगा, सो बचेगा इज दिस एंड दिस, दिस इज द पोर्शन दैट इज लेफ्ट. सो ए में से हमने क्या क्या बी माइनस सी वाला पूरा हिस्सा हटा दिया है, तो ये बच गया. अब हमें देखना है फ्रॉम द ऑप्शंस राइट ये कौन सा हिस्सा है. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, इट सेज ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा पार्ट हो गया, ऑब्वियसली दिस पार्ट राइट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, दिस पार्ट, दिस इज ए माइनस बी राइट, ये ए माइनस बी. This is not including this. हमें ये वाला हिस्सा भी चाहिए राइट. और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये पूरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है. इनका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये और ये सेम है. सो द आंसर हैपेंस टू बी ऑप्शन ए, द आंसर इज ऑप्शन ए सर, हमें बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दिस इज ए माइनस बी, ठीक है, दैट इज ए माइनस बी. और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी राइट. अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली द आंसर, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर ना यहाँ पे राइट, सो दैट इज द आंसर. ये वाला कौन सा पार्ट था, दिस वॉज बी माइनस सी, ये वाला कौन सा पार्ट था, this is a minus b minus c. This and this become equal right. So this is the next question that we are going to look at. So here it says that there are some friends who plan to contribute equally to jointly buy a CD player. So it's like kuch log mil karke CD player khareedna chahte the, kuch friends right, and however two of them decided to withdraw at the last minute. As a result each one had to shell out 1 rupee more. So हर एक बंदे, दो बंदे लास्ट मिनट पे छोड़ दिए, उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट नहीं किए, इस वजह से हर बंदे बचे हुए जो लोग थे उन लोग को एक एक रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है राइट. अब द प्राइस ऑफ द सिंगल प्लेयर इज बिटवीन 1000 and 1100. फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हू एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड. सो लेट्स लुक एट दिस. इमेजिन करो कि इनिशियली द नंबर ऑफ फ्रेंड्स वॉज एक्स, और हर बंदे ने पर पीस पे जो कंट्रीब्यूशन लाया उनका लेट्स से वो वाई रुपीज था. तो सीडी प्लेयर का जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, एक्स वाई. लेकिन क्या हुआ, लास्ट मिनट पे दो बंदे छोड़ दिए, तो एक्स माइनस टू लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अब हर एक बंदे को एक रुपये ज्यादा देना पड़ गया. सो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस टू एंड वाई प्लस वाई सब पता है. सो ये अगर आप सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, एक्स वाई राइट प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू. बट सीडी प्राइस का जो सीडी का जो कॉस्ट है वो तो सेम ही है. सो बेसिकली ये एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू, ये कैंसिल होगा, बचेगा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू. सो एक ही इक्वेशन यू कैन नॉट सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है, हम यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जनरेट कर सकते हैं एंड उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कौन सा 1000 and 1100 के बीच में लाई करता है. बट उससे अच्छा ये है कि हम ऑप्शंस यूज करें, ठीक है. हमें ये भी पता है कि जो प्राइस है सीडी प्लेयर का वो क्या है, एक इज एन इंटीजर, सो एक्स वाई इट इज बिलोंगिंग टू एन, इट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ठीक है. सो अब देखो, let's pick up options. Let's say for example 23 as an option लेते हैं, which is an odd number. 21 is also an odd number, right? So अगर मान लो initially 23 होते हैं, तो y का value हम यहाँ से निकाल सकते हैं, you know?
और मैं पता है एक्स वाई 1000 से ज्यादा होना चाहिए, 1100 से कम होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए कहीं पे, राइट। तो ये 23 अगर आप लोगे, राइट, तो 23 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू, सो 2 वाई इज 21, वाई इज इक्वल टू 10.5, राइट। तो देखो एक्स का वैल्यू 23 था, वाई का वैल्यू 10.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा पहला चीज को, राइट। ये इवन होता तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर इंटीजर आता, ये ऑड है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर तो इवन मतलब इंटीजर नहीं। प्लस इनका जो प्रोडक्ट है वो 1000 से कहीं बहुत ज्यादा का, सो अगर 23 से चेक करें तो अगर 1000 से कम है तो 21 से सवाल ही नहीं आता, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो ऑप्शन 44 या 46, तो हमें कोई भी एक ऑप्शन से चेक कर लेना है। अगर मान लो 46 से चेक कर लिया आंसर आ गया तो 44 नहीं हो सकता, 44 से चेक लिया आंसर नहीं आया तो आंसर बाई डिफॉल्ट 46 हो जाएगा। जैसे अगर हम 44 चेक करते हैं, राइट, सो 44 का चेक करो, एक्स का वैल्यू हमने 44 रखा, 44 माइनस 2 वाई इज 2, राइट, सो 2 वाई कितना आ गया आपका 42, एंड वाई कितना आ गया 21। सो एक्स वाई का जो कॉस्ट है, एक्स वाई कितना होगा 42 × 21, राइट। अब देखो क्या ये इस क्राइटेरिया को पहले सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करेगा। देखो एक्स अगर हमारा 42 है, वाई हमारा कितना है 21 है, अगर दो कम करते हैं, सॉरी एक्स कितना है 44 है, नॉट 42 है ना, 44 है, ये 21 है, राइट, दो कम करेंगे तो ये 42 होगा और ये कितना हो जाएगा 22। सो दिस कैन बी सीन एज 22 × 2, इसको हम देख सकते हैं 21, ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, तो ये 42 बन जाएगा और ये 22 हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। बस इनका प्रोडक्ट चेक करना है, तो 44 × 21, व्हाट इज द 44 × 21, सो लेट गो 20 + 1, सो 44 × 20 इज 880 प्लस 44 व्हिच इज लेस देन 1000, दिस इज लेस देन 1000, तो इसलिए 44 पॉसिबल नहीं है एज एन आंसर, राइट। सो आंसर आपका होगा 46। 46 से देख के देखोगे एक्स का वैल्यू 46, तो 46 माइनस 2, 44 / 2 = 22, तो 46 × 22 करना होगा, 46 × 2 = 92, सो 920 प्लस 46 × 2 = 92, ये दोनों ऐड कर दो, जिससे 1000 से ज्यादा है, तो दैट बिकम्स द आंसर, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी नहीं कहेंगे, बिकॉज यू हैव टू डू अ लिटिल हिट एंड ट्राई विद द ऑप्शंस, राइट। सो दिस इज द करेक्ट करेक्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट दिस, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक दैट इज नो एलिगेशंस, इट सेज दो लिक्विड है ए एंड बी विच आर इन द रेशियो इन कंटेनर वन, सो देयर इज अ कंटेनर वन, इसके अंदर ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:1, एंड देयर इज अ सेकेंड कंटेनर, इसमें ए एंड बी इज इन द रेशियो 1:3, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया किसी रेशियो में, थर्ड कंटेनर में ए एंड बी इज इन द रेशियो 1:1। ऐसे क्वेश्चन में यू कैन पिक अप एनी वन पार्ट, राइट। ए ए देखो, ए पहले वाले में कितना है, 5 parts out of 6, ए पहले वाले दूसरे वाले में कितना है, 1 part out of 4, एंड फाइनली ए इज 1 part out of 2, राइट। एंड यू कैन यूज द एलिगेशन अप्रोच, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/3, राइट, सो द आंसर इज 3:4, दैट्स इट। सो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, काफी निश्चित है एलिगेशन, तो सिर्फ सिचुएशन देख करके एलिगेट कर देना था। चलो आगे वाले देखते हैं, सो लेट्स लुक एट ये अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन से तो इजी दिखने में लग रहा है, रीड करने के बाद ही पता चलेगा। इन 5 flats वन ऑफ दी अदर लिव 5 professional, लेकिन बी प्रोफेसर हैज टू गो अप टू मीट हिज फ्रेंड आईएएस फ्रेंड ऑफिसर फ्रेंड, सो प्रोफेसर इज स्टेइंग बिलो द आईएएस ऑफिसर, राइट, तो क्यों ऊपर जा रहा है, तो इस केस में जा रहा है, इस केस में प्रोफेसर इज गोइंग आउट ऑफ ऑफिस, इस केस में भी जा रहा है, इस केस में नहीं जा रहा, सी में नहीं जा रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया, राइट।
डॉक्टर हैज इक्वल इज इक्वली फ्रेंडली टू ऑल एंड हैज टू गो एज फ्रीक्वेंटली एज गो डाउन, अप एंड डाउन दोनों इक्वली जाता है, तो बीच में ही होगा, सारे ऑप्शन में ही है राइट। इंजीनियर हैज टू गो टू मीट हिज एली एमएलए फ्रेंड, ठीक है, इंजीनियर हैज टू गो अबव एमएलए टू, इंजीनियर के ऊपर एमएलए सारे ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन ने एलिमिनेट कर दिया है, इंजीनियर के ऊपर ही एमएलए, ठीक है, बट अबव हुज फ्लैट डज लिव्स इन प्रोफेसर फ्रेंड, प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है, आईएएस, आईएएस एमएलए के ऊपर रहता है, आईएएस एमएलए के ऊपर रहता है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी हैज टू बी द आंसर, डोंट मेक द अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट दिया होगा सो क्लाइंट एलिमिनेट थ्रू द ऑप्शंस एंड यू गेट द आंसर राइट, इट इज अ इजी वन बेसिकली। Okay, so going with the next, this is based on percentages. This is based on percentages, and this is a very common kind of a question. Fresh grapes, it is containing 90% water by weight. So basically, if fresh grapes are low, right? There's this fresh grapes, इसको धूप में डाल दिया, so they become dried, raisins बन जाते हैं, right? So ये dried grapes है. ये फ्रेश ग्रेप्स है, इसमें इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम, सो इट सेज फ्रेश ग्रेप में 90% वाटर है, ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर है, तो क्या करना चाहिए, वी शुड लुक आउट फॉर द पल्प, लुक आउट फॉर द पल्प पार्ट, इसमें कितना पल्प है, 90% वाटर है, सो 10% इसमें पल्प होगा, इसमें 20% वाटर है, तो 80% पल्प होगा, तो पल्प चाहे फ्रेश ग्रेप हो या ड्राइड ग्रेप हो वो तो इवेपोरेट करेगा नहीं, सो दैट विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है, एंड आप देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राइड ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, सो मान लो ड्राइड ग्रेप्स एक्स है टोटल अवेलेबल एंड ये 20 केजी, सो 20 का 10% आई कैन से 10% ऑफ 20 ये क्या है पल्प, एंड यहाँ पे पल्प कितना हुआ 80% of x, 80% of x, right? So you can just cancel this out, percentage, percentage, 24 and 10 by x ka value hoga, 10 by 4, 10 by 4 kya hoga, 2.5, so 2.5 kg hoga iska matlab, so the answer is 2.5 kg, which is option A, option, right? We don't work out for such questions with evaporation until otherwise it is mentioned, so pulp leke solve the question, okay. So let's look at this particular question. ये blood relation के ऊपर बेस्ड है, पैराग्राफ है, बट नॉर्मली कई बार क्वेश्चन ट्रिकी भी आ जाते हैं और कई बार इजी भी रहते हैं, तो इसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए. ABCDEF are group of friends, the two housewives, one professor, one engineer, one accountant and one lawyer in the group. ठीक है, so दो housewife हैं, right? ठीक है, so it says now there are only two married couples, so this is one point jo humne dhyan rakha hai, do hi married couples hain, the lawyer is married to D, so D is married to a lawyer, ye married symbol hai dekho, this is lawyer, so D is married to a lawyer, hume pata nahi kaun main kaun female hai, filhal no woman in the group is either engineer or accountant, right, and D ke liye diya hua is anything given about D, right, nothing as such, so D is married to the lawyer, it is given, sorry, D who is a housewife, so D is basically the housewife, so D is a female, right, so the lawyer is a male, then it says right, C is the accountant, so we have C is the accountant, so we just keep it here abhi filhal because we don't know D son है या नहीं है या son in law है या क्या है पता नहीं, चलो तो इनमें से कितना सही, C is the accountant and is married to F, तो accountant is not the woman because statement दिया है यहाँ पे no woman that will be the engineer accountant, so C has to be a male and is married to F, F has to be a female in that case, who is the professor, so F is a professor and C is the accountant, right? ठीक है, so now it says A is married to a housewife, A is married to a housewife, E is not a housewife, there are two housewives, right, and though he married couple, so A is married to a housewife, so matlab the lawyer has to be A, A has to be the lawyer, okay,
अब इसका मतलब जो बच गए लोग, कौन बच गए? ई बच गया, ये मैरिड नहीं होगा, राइट? एंड देयर इज बी, बी ऑल्सो शुड नॉट बी मैरिड बेसिकली, राइट? सो मैरिड कपल नहीं बन बना सकते बेसिकली, कुछ है दे माइट बी मैरिड एंड देन सेपरेटेड, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट फिलहाल दे डू नॉट फॉर्म मैरिड पेयर बेसिकली एज पर दी क्वेश्चन. सो ई के लिए बोल रहा है ही इज नॉट अ हाउस वाइफ, राइट? सो बी हैज टू बी द हाउस वाइफ, क्यों? बिकॉज द टू हाउस वाइफ, राइट? एंड लुक एट ई, सो इट सेज यू नो देयर इज वन टू हाउस वाइफ, वन प्रोफेसर, वन इंजीनियर, देयर हैज टू बी वन इंजीनियर यहाँ पे, दैट मींस वो इंजीनियर कौन होगा? दैट इंजीनियर हैज टू बी ई, एंड ई वी नो इज नॉट अ फीमेल, बिकॉज इंजीनियर्स यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन इज नॉट अ फीमेल, सो इंजीनियर्स आर, दैट्स ऑल. और इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं ऐसा क्वेश्चन में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, और कुछ ऐसा दिया हुआ. तो आइडियली अगर आप देखो, व्हाट इज ईज प्रोफेशन? इंजीनियर, इज ऑप्शन बी, ठीक है? सो दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन बी. एंड हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द ग्रुप? थ्री. यहाँ पे भी एक मेल है, यहाँ एक मेल, और एक फीमेल है, बिकॉज हमें पता है कि इजी था, काफी इजी. ओके, सो सीरीज रॉन्ग वन आउट क्लिक हो गया, तो बहुत प्रेशर में तब कई बार आसान आसान सीरीज नहीं क्लिक करते हैं, बट यू हैव टू गेट यूज टू द सीरीज थिंग, राइट? सो लेट्स ट्राई एंड फिगर दिस आउट. वेरी कॉमन वन टाइप होता है, यू नो यू क्रॉस चेक द रिलेशन बिटवीन द टू, अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर एंड यहाँ पे. यहाँ पे अगर स्क्वायर स्क्वायर देखोगे कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, वन आ रहा है, गैप 10 आ रहा है, राइट? तो ऐसा कुछ देखे मिलेगा नहीं उसमें. सो मे बी आई कैन लुक दिस एट इनटू 1 + 1, 7 × 1 + 1 इज 8, 8 × 2 + 2 16 + 2 18, राइट? चल रहा है. और 18 3 = 54 + 3 57, बिल्कुल सही है. तो चेक करते हैं, 54 × 57 × 4 + 4, सो दैट इज अ 228 + 232 आना चाहिए था यहाँ पे, आइडियली अगर ये सीरीज फॉलो करता है. एंड 232 अगर हम सही मानते हैं, अगर ये 232 होता तो 232 × 5 + 5, राइट? तो इट बिकम 1160 + 5, 1165 आना चाहिए. सो आई बिलीव इट शुड बी गेस फॉलो कर रहा है. सो मतलब जो रॉन्ग वन टर्म है तो इट इज 228, इट शुड बी 220, इट शुड बी 232, दिस इज अ रॉन्ग वन, राइट? आई होप यू गॉट द पैटर्न. दिस 7 8 18 57 जो पैटर्न है, इंटू 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3, इस तरह का पैटर्न है, फॉलो करते रहो, राइट? इजी था. ओके, सो ये भी डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन. और इसमें आपको दिमाग में ये रखना है कि यू डोंट हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट इज द फाइनल आंसर. अगर आपको लगता है एक ही आंसर मिल रहा है, तो इट जस्ट गिव आंसर यू इफ द डेटा एंड स्टेटमेंट वन अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डेटा एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट अलोन टू आंसर. सो स्टेटमेंट वन से आंसर होगा, लेकिन स्टेटमेंट टू से आंसर नहीं होगा, तो हम यू बोलेंगे, ठीक है? से इफ द डेट गिव आंसर बी, इफ द डेटा एंड स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर, वेल डेटा एंड स्टेटमेंट वन आर नॉट सफिशिएंट. सो स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट टू से आंसर हो जाएगा. डब्ल्यू कब देना है आंसर? 1 और 2, 1 से भी आंसर आ गया, 2 से भी आंसर आ गया. एक्स से कब देना है? 1 2 कंबाइन के तो भी नहीं आया, 1 2 ये कंबाइन के तो भी आ गया, बाई इसको तो बाई, राइट? चलो अब देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड. पहला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम? इट सेज फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करें, सिस्टम नॉर्मली टेक्स 9 आवर्स, इट टेक्स नॉर्मली फिल्ड इन 9 आवर्स, फिलिंग टाइप 9 घंटे में फिल करता है, तो खाली करने वाले भी कितने घंटे में करेगा क्या पता, नहीं कह सकते फर्स्ट स्टेटमेंट से. क्वेश्चन सेकंड देखो, टेक्स 1 आवर मोर, ठीक है?
देन द यूजुअल टाइम टू फिल द सिस्टम डिलीवरी। तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में हमें यूजुअल टाइम भी नहीं पता है, मान लो यूजुअल टाइम 1 घंटे लगता है फिल करने, तो खाली अगर लीक एंड ये दोनों अपडेट करेंगे तो x+1 घंटे लगेंगे फिल होने में, दैट इज व्हाट इट मींस, राइट। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आएगा, तो हमें कंबाइन करना होगा, कंबाइन नहीं डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले तब क्या आ जाएगा आपका 9, 9 घंटे में ही अकेले फिल कर सकता है, लेकिन लीक और फिलिंग पाइप दोनों अगर काम करेंगे तो x+1 10 घंटे लगेगा। तो हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं 1/9 -1/x = 1/10। ये इतना काम कौन कर रहा है, फिलिंग वाला काम कौन कर रहा है, दी फिलिंग पाइप 1 घंटे में 1/9, लीक अगर 1 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/x, दोनों मिलकर 10 घंटे में फिल कर सकते हैं, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1/10। यहाँ से ऑब्वियसली मैक्स निकाल सकते हैं, यूनिक आंसर आ जाएगा, सो वी कैन सॉल्व, राइट। तो कंबाइन करके आंसर आ जाएगा, कंबाइन करके आंसर आने का डेटा कौन सा था, बाई, विच इज ऑप्शन बी। अगेन डोंट सॉल्व एंड फाइंड आउट व्हाट इज एक्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज ये देखते हैं सेकेंड वाला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ बोथ द इनलेट पाइप P1 and the outlet pipe P2 are open simultaneously, ठीक है। तो बोला कि ये P1 ओपन कर दिया गया है और ये P2 को भी ओपन कर दिया गया है। P1 कैन फिल द टैंक इन 16 16, बट P2 के बारे में डेटा नहीं, फर्स्ट से कुछ नहीं कह सकते, राइट, पहले से कुछ नहीं कह सकते। सेकेंड वाला डेटा में सिर्फ P2 दिया हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते, P1 के बारे में पता, जब दोनों पता होगा, ये 16 मिनट है ये 8 मिनट, तो ऑब्वियसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने देर में खाली होगा, भरा हुआ था, राइट। तो ऑब्वियसली कंबाइन करके आंसर आ सकता है, मतलब यू कैन से ना 1/8, क्योंकि खाली हो रहा है, -1/16, ऑब्वियसली 1/8 आ जाएगा, 1/8, तो आंसर 1/16 आ जाएगा, 1/16 16 आवर लगता है, राइट, तो आंसर बिकम वाई, कंबाइन के आंसर। आगे बढ़ते हैं, ओके, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन अ बिट ऑन नंबर सिस्टम, या आप कह सकते हो पीएनसी, दोनों का कॉम्बिनेशन अ लिटिल बिट। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000, लेस देन 10,000 के पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 10,000 फाइव डिजिट नंबर है, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ सकता है, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन देख करके ये लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 210, सो 210, ओके, मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 बनना चाहिए, फाइन। 210 को पहले ब्रेकअप कर लो, 2 × 3 × 5 × 7, 7 × 2 = 10, ठीक है, राइट। अब देखो अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो नंबर ऐसा हो सकता है ना, इट कैन बी 2 3 5 7, एंड इनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको कह सकते हैं 44 24, या 4 फैक्टोरियल से बस होगा 44, या फिर आप ऐसा सोचो क्योंकि तो हमें डिजिट में ही चेंज करना है, तो मे बी आई कुड आल्सो हैव लुक्ड एट दिस एज 1 × 6 × 5 × 7, है ना, तो ये 1 6 5 7 होगा तो भी काम चल जाएगा, प्रोडक्ट 210 बनेगा। इसके भी 4 P4 वेज होंगे अरेंज करने के, 4 फैक्टोरियल वेज, सो 24 वेज यहाँ पे भी होगा। अब हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं क्या, 1 हटा भी देंगे तो 6 5 7 से बन सकता है, राइट, 6 × 5 = 7 इज अगेन 210, राइट, सो दिस इज 3 P3, मतलब 6। 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, नहीं, बिकॉज 2 डिजिट नंबर में 6 5 लेंगे या 5 7 लेंगे, 37 तो ले नहीं सकते क्योंकि डिजिट नहीं है, तो बन नहीं सकता ये, तो इतना ही बनेंगे, राइट। इसमें क्या होता है कि एक भी केस मिस हो गया, जैसे अगर आपने 2 3 5 7 सोचा, 6 5 2 सोचा, राइट, तो आप लोगे 24 + 6 = 30, राइट, बट ऑप्शन में नहीं है 30, तो यू मे गेट इन अ फिक्स, अब क्या हो सकता है, नियरेस्ट आंसर मार्क कर दोगे 36, दैट बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि आप केस मिस कर चुके हो। इसमें इंपॉर्टेंट है केसेस आप राइट पिकअप करो। चलो अगला वाला केस देखते हैं, what is this question, okay,
फाइव पीपल आर देयर, के एल एम पी क्यू एंड ऑल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट वेट. इट इज It is known that the number of people heavier than P is same as the number of people lighter than Q. Okay, so and पांच लोग हैं. मान लो ये heaviest है, ये lightest है, ये heaviest. ठीक है. अच्छा दिया हुआ है L is the heaviest. ठीक है ना, L is the heaviest. K lightest नहीं है, ये भी दिया हुआ है. राइट. अब देखो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है. It is known that the number of people heavier than P is same as the number of people lighter than Q. P से जितने लोग भारी हैं उतने ही लोग Q से हल्के हैं, तो उनको बीच में तो नहीं रख सकते. बीच बीच में दोनों को रख साथ में रख नहीं सकते. तो इट कैन बी दिस वे, P से एक लोग भारी है तो Q से एक बंदा हल्का है, या फिर हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं Q एंड P को. तो P अगर यहाँ पे है तो तीन लोग उसे भारी है, क्यों यहाँ पे है तो तीन लोग उसे हल्के हैं, तो P Q यही होगा कहीं पे. एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगा, पर K यहाँ नहीं है तो K का पता चल गया यही होगा, K यही होगा. राइट. तो बचा ही कौन, N. N यहाँ आ जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछना है, वो द लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट N. सेकेंड लाइटेस्ट पूछेगा तो पता नहीं. राइट. सो दी आंसर तो निकल आया, जो पूछा गया था वो पता चल गया, बट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी एन क्यू आप फिगर आउट नहीं कर सकते. पूछा जाए टू द सेकेंड हेवीएस्ट वी डोंट नो, सेकेंड लाइटेस्ट वी डोंट नो, टू द लाइटेस्ट बिल्कुल पता चल गया. राइट. अगला वाला कहते हैं अच्छा जॉन जॉनी एंड जनार्दन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस एंड ईच वन अ डिफरेंट गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर. ईच person gave two replies to a question, okay, one of which is true, another is false. When asked about the details of medals obtained by them, the following are the replies. Okay, so this two false type of jo question hote hain, jisme ek banda ek, yahan pe kya hai ki har ek banda ek statement sahi bola aur ek statement galat. Ab kya karo, assume kar lo ki John ka pehla statement sahi hai aur dusra galat. जैसे आप मानोगे जॉन का पहला स्टेटमेंट सही है तो हम बोलेंगे जॉन को मिल गया गोल्ड मेडल. राइट. और जॉनी को मिल गया ब्रॉन्ज, नहीं मिला तो मतलब मिला होगा सिल्वर, तो ये गलत है ना. राइट. तो जनार्दन को मिला होगा ब्रॉन्ज. राइट. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया. अब हम बस चेक करेंगे जॉनी क्या कह रहा है. John won the silver. तो जॉन के पास सिल्वर है क्या, नहीं गलत है. एंड आई won गोल्ड, जॉनी गोल्ड won क्या, नहीं गलत. तो अगर हम इसका पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत मानते हैं तो जॉनी के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं. राइट. जो कि इस पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज जॉनी ने एक स्टेटमेंट तो सही दिया ही होगा एज पर द इंफॉर्मेशन. तो अब हमें क्या करना चाहिए, केस को रिवर्स कर देना चाहिए. पहला स्टेटमेंट इसका गलत करो और दूसरा सही करो. मतलब जॉन गोल्ड नहीं जीता है बट जॉनी जॉनी जो है वो ब्रॉन्ज जीता है. अब सोचो जॉन गोल्ड नहीं जीता, क्या जीतेगा, सिल्वर. तो जनार्दन क्या जीतेगा, गोल्ड. अब ये के सही होना भी चाहिए बिकॉज आंसर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनकंसिस्टेंट ऐसा कुछ. तो ये बेसिकली पहला केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सेकेंड केस एग्जिस्ट करना चाहिए. बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं. जॉन वन सिल्वर सही, जॉनी कह रहा है आई वांट गोल्ड विच इज रॉन्ग. देखो जॉनी का एक सही गलत आ गया. अब जनार्दन कह रहा है जॉनी वांट सिल्वर विच इज रॉन्ग बट आई वांट गोल्ड सही. राइट. तो ये बेसिक सही स्टेटमेंट्स है. तो गोल्ड कौन जीता है, जनार्दन. राइट. फिर जॉन, फिर जॉन. सो द आंसर ऑप्शन इज बी, आंसर ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. राइट. So we'll go to the next question. So this is a good question basically. Exam point of view mein it all depended aapke paas kitna waqt tha ye question karne ke liye. Right. Although kuch chote mote clues mil jayenge to you can attempt it. Since each of ABC is a different digit from among 1 to 9 and how many different values
of the sum of a plus b plus c are possible if a b a, so I have to multiply a b a into a, right, which will give us a c c a. So अब ये सोचो a into a a दे रहा है, ये कब का पॉसिबल है? 1 into 1, ये सब डिजिट्स हैं, 1 हो सकता है, 5 into 5, 25 वाला 5 आ सकता है, कैरी हो जाएगा फिर, राइट, वैसे भी दूसरा डिजिट है, फिर 6 into 6, 36, लास्ट में 6 आ सकता है. जस्ट थिंक, यू नो, अगर ये वैल्यू 5 है, बिकॉज ये 4 डिजिट नंबर बना है, तो अगर ये 5 है, जस्ट इमेजिन करो, अगर ये 500 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी कितना आएगा? 25,000. Which is a 5-digit number, जो कि 4-digit नहीं है. Imagine करो, हमने लिखा 5, some b, some 5, into 5-5. ये कम, ये number इससे तो बड़ा ही होगा. तो 5-digit number तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, right? तो इसका मतलब ये तो possible नहीं है. एक वाली 5 नहीं possible है. अब 5 से अगर bigger number बन रहा है, तो 6 से तो और बड़ा number बनेगा. ये भी possible. तो मतलब जो answer होगा, it has to be, a has to be 1. उसको लिख सकते वन बी वन वन वन, इनको मल्टीप्लाई करना है एंड फाइनली वी शुड गेट एन एसीसीए. इधर वी कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ रिटर्न कर और यू कैन जस्ट थिंक दिस वे, वन को मल्टीप्लाई करना इजी है, राइट, सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ वन बी वन दिस वे, वन इंटू वन, वन इंटू बी, वन इंटू वन, फिर ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऐड करोगे तो क्या आएगा, वन ये आ जाएगा बी प्लस वन, बी प्लस वन और यह आ जाएगा वन. ये हम चेंज नहीं कर सकते, कैरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैरी हो गया तो वैल्यू एक चेंज हो जाएगा, राइट, सो इट हैज टू बी अ बी प्लस वन. ये जो बी प्लस वन वाला वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर पोर्टेबल टू सी, राइट, एज पर द क्वेश्चन. हमें पता चल गया ए तो वन है, लेकिन बी एंड सी में रिलेशन क्या है कि बी प्लस वन इज इक्वल टू सी एंड बी ए एंड बी कैन नॉट बी सेम. तो अब ये सोचो बी कितना हो सकता है, बी टू हो सकता है तो सी थ्री हो जाएगा, बिकॉज वन तो हो नहीं सकता, ये थ्री होगा तो ये फोर होगा, ये फोर होगा तो ये फाइव होगा, ये फाइव होगा तो ये सिक्स होगा, ये सिक्स होगा तो ये सेवन होगा, सेवन होगा तो ये एट होगा, एट होगा तो ये नाइन होगा. डिजिट बस यहीं तक होगी, दैट्स इट, खत्म हो गया, राइट. सो टोटल कितने डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं इसके सम के, जितने वैल्यूज ये ले सकते हैं, तो कितने वैल्यूज हैं, टू से लेकर एट, दैट इज सेवन वैल्यूज. राइट, आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन अगर आप देखो कोडिंग के ऊपर है. कोडिंग भी कई बार ट्रिकी बनाया जा सकता है डिपेंडिंग, और कई बार काफी आसान रहता है. तो बास्केट का जो कोड है अगर देखो, इट इज यू एफ एल टी बी सी, है ना, तो यहाँ पे सीधा कोडिंग तो नहीं है, बट अगर आप देखो लास्ट लेटर की जो कोडिंग है पहले प्लेस पे, पी यू प्लस वन करके, पी एल प्लस वन, के एल एस टी, के एल एस टी, फिर ए बी अगेन प्लस वन, एन बी का सी, बेसिकली रिवर्स करके प्लस वन कर देते हैं. तो सिंपल अभी क्या होगा, पहले तो ई का कोड होगा एफ, राइट, और आप ऐसे सोच सकते हैं ई का होगा एफ, तो एफ से एलिमिनेशन करो, एफ से ये तो आंसर नहीं स्टार्ट करो, एफ से टी में, राइट, एंड एस का हो जाएगा टी, लास्ट में टी आना चाहिए, तो लास्ट में टी एक ही जगह दिख रहा है, आंसर यही होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ई का एफ, फिर एल का इस तरह से लास्ट में आना चाहिए इस करके, तो यही दिखता है अच्छा शुक्रिया आंसर. तो आप टाइम बचा सकते हो थोड़े से, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया, और इसका कुछ और डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट, 2019 के जो बचे हुए क्वेश्चन पर. कैच यू अगेन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा.